अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरार मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर नगर निगम के वार्ड 31 में, जो मानक मऊ है। और ये आपको बता दूं कि ये विधानसभा के एतबार से सहारनपुर देहात विधानसभा 4 का ये क्षेत्र है, लेकिन ये नगर निगम का वार्ड है, ये मानक मऊ, और ये वार्ड 31 है। और यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के जो प्रत्याशी हैं वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, वो है शमशेर उर्फ कल्लू साहब। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम तेजी के साथ लहरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई वार्डों के अंदर प्रत्याशी, यानी कि अब लोगों के अंदर दिलचस्पी दिखाई दे रही है। मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम समाज मजलिस से जुड़ रहा है। अब तक कोई इसका पद भी लेने को तैयार नहीं था, लेकिन अब चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी सामने आने लगे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ वार्ड 31 से जो है, जो पार्षद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं मजलिस के, वो हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। शमशेर साहब, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि मजलिस से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मजलिस में आपको क्या दिखाई दिया है सर? मजलिस में अपने जो पार्टी है, इसका अपने जो खड़े हो रहे हैं इसमें, इस पार्टी का एक जो भी है ओवैसी साहब बोलते हैं मुसलमान के हक में, और इस वजह से हम इस पार्टी से जुड़े हैं और इस पार्टी से खड़े हुए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि मुस्लिम समाज जो है वो जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी के विचारों को सुनकर उनसे मोहब्बत करता है, उन्हें अपना नेता भी मानता है, उन्हें रहबर भी कहता है, उनसे अकीदत भी रखता है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? जो भावना असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुस्लिम समाज की जुड़ी जा रही है, क्या वोट में तब्दील हो पाएगी? एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा सबको, जब जाके इसके अंदर ये कुछ जान पैदा होगी। और ये जो है आज पूरे अपने यूपी के अंदर भी जो आवाज़ उठ रही है तो ओवैसी साहब उठाते हैं। इसके अलावा ये अपने जिला सहारनपुर यूपी से जो हमने 36 विधायक भेजे हैं, उन्होंने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। पार्लियामेंट में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, मुसलमान के हक में कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है तो ओवैसी साहब बोलते हैं, तो इसलिए हम इस पार्टी से ज्वाइन हैं और इस पार्टी के हम लड़ रहे हैं इससे। आप कैसा चुनाव चल रहा है आपका मजलिस के नाम पे? लोग क्या कह रहे हैं वोट करने के बारे में, या चुनाव आप मजलिस से लड़ रहे हैं, लोग आपके फैसले को कैसा बता रहे हैं? अभी लोगों के अंदर इसके मोहब्बत बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, और जी इसी के अंदर मान लो जो लोग बाग चल रहे हैं, मोहब्बत बढ़ रही है, तो इस वजह से लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं इसमें। चलिए दोस्तों, हमने आपको दिखाया, ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सहारनपुर नगर निगम वार्ड 31 से जो प्रत्याशी होने जा रहे हैं, शमशेर उर्फ कल्लू साहब। आपके लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज।